प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। अर्जुन रामपाल और महर जैसिया ने दिया अपने फैंस को एक बड़ा धक्का जब 28 मई को दोनों ने किया अनाउंस कि अपनी 20 साल की शादी वो तोड़ रहे हैं। महर और अर्जुन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा, After a 20-year long beautiful journey filled with love and beautiful memories, we would like to share that all journeys have different paths. We feel that it is time for us to move on to different destinations henceforth. We will always be there for one another and most importantly for our children Mahika and Myra. आइए आपको बताते हैं हम a detailed analysis on all those reasons जिनकी वजह से हुआ ये 20 साल का रिश्ता खत्म। अर्जुन और महर थे शाहरुख खान कैम का एक अहम हिस्सा, लेकिन रावण बनाने के वक्त प्रॉब्लम शुरू हुई थी इन दोनों पार्टीज में। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन मुंबई मिरर, महर अलेजेडली इंसिस्टेड ऑन अ हायर रेम्यूनरेशन फॉर हस्बैंड फ्रॉम को प्रोड्यूसर SRK हिमसेल्फ, हु स्वोर टू नेवर वर्क विद अर्जुन इन द फ्यूचर। द टू सब्सिक्वेंटली हैड अ पब्लिक स्पैट ड्यूरिंग द फिल्म्स रिलीज, फॉलोइंग व्हिच शाहरुख स्टॉप टेकिंग महर्स कॉल्स, व्हाइल गौरी खान टू, हु हैड बीन क्लोज फ्रेंड्स विद महर, सेवर टाइज विद हर। अर्जुन के एक करीबी दोस्त ने रिवील किया, When his equations with many industry friends were worsening, his friendship with Suzanne Roshan only strengthened over time, and Meher grew extremely insecure. It led to several fights between the couple. इस सोर्स ने ये भी कहा कि सुजैन के कजन फरदीन खान ने रखी थी एक पार्टी, जिसमें मेहर और सुजैन के बीच हुआ एक वेरी पब्लिक फॉलआउट। मेहर एंड सुजैन येल्ड एट वन अनदर बिफोर मेहर स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द पार्टी। द टू हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर सिंस। दिसंबर 2013 में सुजैन और ऋतिक के सेपरेशन के न्यूज के साथ साथ सुजैन और अर्जुन के रिश्ते के रूमर्स भी और ज्यादा बढ़ने लगे। शक इस हद तक बढ़ गया कि फैंस को ये भी लगने लगा कि सुजैन ने ऋतिक को छोड़ा अर्जुन के लिए ही। लेकिन ऐसे में सुजैन ने दिया एक पब्लिक स्टेटमेंट, अर्जुन एंड मेहर आर माई फ्रेंड्स एंड हैव बीन फॉर इयर्स, टू पॉइजन अ रिलेशनशिप सच एज दिस इज मैलिशियस बिहेवियर। I have with Meher earlier stated that there is no truth to the claim that Arjun and I are anything more than friends. मुंबई मिरर ने 2015 में रिपोर्ट किया था कि मेहर अपने घर से जा चुकी थी और दादर के पारसी कॉलोनी में अपने मॉम के साथ रहने लगी थी आफ्टर हैविंग अनदर ह्यूज फाइट विद अर्जुन। अपेरेंटली मेहर थक चुकी थी अपनी शादी बचाने की कोशिश करते करते। लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन और मेहर ने तय किया अपने रिश्ते को देंगे एक और मौका। अपने बच्चों और फैमिली के लिए दोनों साथ रहने लगे थे एक बार फिर। ये वही दौर था जब अर्जुन और मेहर साथ पब्लिक अपीयरेंस करने लगे थे वापस और एक दूसरे की कंपनी में काफी खुश भी दिखने लगे। पर किसे पता था कि आने वाले महीनों में क्या होने वाला है। No, 2016 में मेहर और अर्जुन के बीच हुआ एक बार फिर एक घमासान झगड़ा, लेकिन इस बार अर्जुन घर से चले गए। ये पहली बार था जब अर्जुन अपने घर और बच्चों को छोड़ के गए थे। एक सोर्स ने कहा था एक लीडिंग डेली को, They were fighting so loudly and throwing things at each other that the neighbors threatened to complain to the police, as it wasn't the first fight of its kind. Meher apologized profusely to them and immediately after that, Arjun moved into a 5-star service apartment for a week. Reports के अनुसार 2017 में मेहर ने किया realize कि अर्जुन अब भी सुजैन के करीब थे और दोनों secretly मिलते भी थे। मेहर एक दिन थी माउंट मैरी चर्च में और उन्हें अपने घर तक ले जाना पड़ा था After she had a breakdown in the church, एक सोर्स ने कहा मुंबई मिरर को, Meher had learned that Arjun and Suzanne were still meeting secretly and were close friends. She was traumatized, as she had believed Arjun when he said he was a changed man and that everything would be fine. इसी सोर्स ने मुंबई मिरर को आगे कहा कि मेहर और अर्जुन एक दूसरे से अलग हो चुके थे 6 महीने पहले ही, लेकिन कर रहे थे इंतजार अपने बच्चों को समझाने के लिए, and only then did they come out in front of the media. Arjun had informed the teams of his upcoming films. JP Dutta's Pulton and his own co-production Nastik that he was splitting from his wife and that an official announcement would follow shortly. Bollywood Nowers, तो ये थे सारे reasons जिनकी वजह से टूट गया ये 20 साल से भी लंबा रिश्ता। बताइए आपकी क्या राय है सेपरेशन न्यूज पर और देखते रहिए Bollywood Now ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और रिपोर्ट्स के लिए।